नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में हम जानेंगे कि क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों, ये जो देख रहे होंगे कि जो उत्तर से दक्षिण यह लाइनें खींची गई हैं, यही देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं, कितनी रेखाएं हैं दोस्तों? उत्तर से दक्षिण 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह एक इमेजिन लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं कि देशांतर रेखाएं हैं क्या। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। देशांतर किसे कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेखाएं क्या होती हैं? समांतर नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेखाएं है क्या हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम यानी 111.32 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को जीरो देशांतर माना जाता है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को जीरो अंश देशांतर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर, इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी बाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती हैं? पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं, और दाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? गोरे नाम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है।